आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 5 अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब से कुछ देर पहले ये दस्तखत हुए हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत बांग्लादेश के बीच 5 कुछ बहुत ही खास समझौते हैं जिन पर यह बातचीत बन गई है। सीधे मैं आपको प्रणय उपाध्याय के पास ले चलता हूं, मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। प्रणय, आज जो समझौते हुए उनमें क्या खास नजर आ रहा है आपको? देखिए, एटलीस्ट सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो नई मिताली एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है। हल्दिया अतिवाड़ी तिलघाटी जो रेल रूट था, जो 1965 की लड़ाई के बाद बंद हुआ था, उसे ऑपरेशनलाइज करने के बाद इस रूट पर एक पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी। महत्वपूर्ण होगा कनेक्टिविटी के लिहाज से। इसके अलावा जो बांग्लादेश के अंदर रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, उसके अंदर भी भारत की भागीदारी पाई जाएगी। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद करेगा, परमाणु पावर डेवलप करने के लिए बांग्लादेश में, इस लिहाज से महत्वपूर्ण ऐलान किया गया है। इसके अलावा 1971 की जो युद्ध था उसका स्मारक बनाने का भी ऐलान किया है। उसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग बनी थी वो इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने की, और खासतौर पर ट्रेड के क्षेत्र में, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भारत बांग्लादेश का सहयोग करेगा, इसको लेकर भी समझौता हुआ है। तो कई महत्वपूर्ण ऐलान, महत्वपूर्ण समझौते जो थे वो इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद आज नजर आए दोनों देशों के बीच में। शुक्रिया प्रणव उपाध्याय इस जानकारी के लिए आपका। ABP News, आपको रखे आगे।